तो यार गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है, बट मैं अपने हालचाल आपको क्या बताऊं, वही नल्ले वही बेरोजगार वाले हालचाल है। आप लोग मेरी हालत ही देख सकते हो, और तो गाइस आप लोग ये भी देख सकते हो यार, मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूं ना, मुझे इसे बनवाने को पैसे भी नहीं है यार। बनवाने को तो जब पैसे होंगे, जब यार मैं इस जमीन को खरीदूं, और जमीन खरीदने में तो मेरी ऊपर से एस्थेसी हो जाती है, तो मेरे पूर्वजों ने मुझे जमीन खरीद के दे दी थी, इस वजह से मैं इसमें रह रहा हूँ ना, बनवा भी नहीं सकता, इतने पैसे भी नहीं है। हाँ यार मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, तुम अपने यहीं से हालचाल देख सकते हो। और साथ साथ यार मेरे पड़ोसी नई नई थार भी ला रहे हैं, इन पे पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, मुझे बस खाली घर बनवाने को पैसे नहीं है, या घर पे कार खरीदे जा रहे हैं। गाइस यार मेरी इसकी कार को देख के मेरी किलस तो बहुत गई थी, मैं सोच रहा था साली की फोड़ दूं इस कार को, पर यार गाइस अपने उतना बस की नहीं था। और जैसे ही मैं कार को देख रहा था तभी कार का मालिक आ जाता है। भाई इतना सुन के मेरे कानों में से खून मुंह में से उल्टी आ गई थी, क्योंकि भाई मुझसे अपनी बुराई सुनी नहीं जाती, मेरी इतनी तारीफ कर रहा था वो, बस कहो मत भाई। तो गाइस यार मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया था, बस मैं इधर से उधर मेरा मूड जा रहा था, भाई मैं क्या करूं, इनने पूरा सुबह की एसी कर दी थी यार, एक तो घर के बारे में सोच रहा था, प्लस इनने मुझे इतनी टेंशन दी थी नल्ला बेरोजगार के कि कुछ खा के कमा ले। तभी गाइस मेरे मूड की बहुत ज्यादा हिल जाती है, मैं सोचने लग जाता हूं भाई अब काम ही करा जाए, ऐसे साले को कार खरीद के दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा दिन हो गए, ये मेरी किलसाता रहता है, न्यू न्यू कार भी लाकर और मुझे उल्टा सीधा कहता भी रहता है, तो मैं यहां से सीधा निकल जाता हूं भाई काम की तलाश में। हाँ गाइज अब मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था, क्योंकि मेरी दिमाग की बिल्कुल हिल चुकी थी, उनने मुझे बहुत ज्यादा भाई मेरी उनने बेइज्जती कर दी थी, बस मैं इसी कारण भाई अपनी काम की तलाश में निकल जाता हूँ, काम ढूंढ के मैं घर पे लौटूंगा। तो गाइज जैसा कि आपको पता है मैंने पिछली वीडियो कुछ दिन पहले डाली थी, उसमें पिज्जा डिलीवरी करी थी, बट इनने मुझे एक महीने की इसमें जॉब दी थी, उसमें मेरे को पैसे नहीं दिए, तो गाइज इनने मुझे दोबारा ऑफर करा, बट इनने मुझे अब से रख ले भाई परमानेंट जॉब के लिए, और इनने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा सर तुम एक बार आ जाओ मैं आपके पैसे भी दे दूं, बट तुम आते जाओ। तो फाइनली गाइज हमारी बात भी हो चुकी है, उन्होंने सर जी ने कहा, उन्होंने माफी मांगी कि सर मैं पिछली बार के लिए माफी मांगता हूँ, बट इस बार तुम जॉब कर लो, बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। और तो गाइज उन्होंने हमें पिछली वाली सैलरी भी दे दी, और साथ साथ में एडवांस की इस वाली सैलरी भी दे दी, तो गाइज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने हाँ कर दी। और गाइज बट उन्होंने एक चीज कहा, मुझे नाइट में भाई जॉब करनी होगी। जब उन्होंने गाइज नाइट का नाम लिया तो मैं सोचने लग गया था कि करूँ ना करूँ, यार मेरी नींद भी खराब होगी भाई, मैं नल्ला बेरोजगार वैसी हूँ, मुझे रात में तो इतना सोना आता, पर मैंने उन्हें हाँ कर दी, ठीक है सर मैं काम कर लूँ, क्योंकि मुझे पड़ोसी की बात याद आ गई, उसे मुंह पे ही मानना है। तो गाइज अपनी सरकारी नौकरी तो लग चुकी है। हाँ यार गाइज अपनी सरकारी नौकरी से कम थोड़ी है भाई, मैं फटाफट से अपने घर पे आ जाता हूँ, काफी खुश लग रहा था क्योंकि भाई उन्होंने मुझे सैलरी भी दे दी और एडवांस में भी दे दी, फटाफट से गाइज सोते हैं, फिर नाइट में हमें पिज्जा डिलीवरी करनी है। तो फाइनली गाइज नाइट तो हो चुकी है, फाइनली भाई फटाफट से भाई उठते हैं एंड गाइज अपने पिज्जा डिलीवरी के लिए निकलते, भाई काफी नाइट हो रही है यार, ये तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है बाहर निकलने से भी, क्योंकि गाइज यार इतनी रात में तो मैं सूसू करने के लिए भी नहीं निकलता, चाहे रोक लेता हूँ। हाँ यार गाइज पर हम काम के लिए निकलेंगे, क्योंकि गाइज पड़ोसी ने मुझे बहुत ज्यादा सुनाया था भाई, उसकी बात मुझे लग चुकी है, फटाफट से भाई मैं निकलता हूँ ऑफिस की ओर, मैं ऑफिस से भाई पिज्जा उठा के निकल जाऊँ भाई, जहाँ की हमें लोकेशन मिलेगी। देखो यार फटके 64 तो हो रही है, बट काम तो करना पड़ेगा। चलो यार गाइज हम ऑफिस पे तो पहुंच चुके हैं, फटाफट से अंदर चलते हैं एंड देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। A few moments later. तो यार गाइज फाइनली हमें उन्होंने लोकेशन भी सेंड कर दी, और साथ साथ गाइज हमें एक पिज्जा भी डिलीवरी करना है। और गाइज उन्होंने हमें पिछली बार साइकिल दी थी, बट इस बार गाइज हमें अपाची बाइक दी, उन्होंने कहा आपको जरा सा भी कष्ट नहीं उठाने देंगे हम। तो यार गाइज मन मन में मेरे इतने लड्डू फूट रहे थे, उन्होंने पिछली बार मुझ पे इतना अत्याचार करा था, बट इस बार तो मुझ पे इतने मेहरमी कर रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा मेरा दिल खुश हो गया था। और गाइज फटाफट से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ पिज्जा डिलीवरी करने के लिए, लोकेशन पे सीधा हमें जाना है, चलो फटाफट से भाई लोकेशन पे अपनी पहुंचते हैं। तो गाइज मैं अपनी लोकेशन पे तो पहुंच जाता हूँ, पर गाइज लोकेशन बहुत ज्यादा डरावनी थी, आप लोग देख सकते हो, जंगल के अंदर जाना भाई, यहाँ पर मुझे पिज्जा डिलीवरी करनी है, ऑर्डर करना है। तो गाइज जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तभी मुझे आवाज आती है। तो गाइज मेरी फटके तो 4 हो चुकी थी, बट मैं इसे इग्नोर करके थोड़ी आगे जाता हूँ, फटाफट से ऑर्डर करके भाई यहाँ से निकल जाऊंगा। तो गाइज अब मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा है, वो मेरा जो ऑफिसर था क्यों मुझे भाई इतनी इज्जत दे रहा था, भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह भाई, जब भी मुझे कुछ दिखता है। तो गाइज आप लोगों ने भी देखा हो यार, सफेद सा भाई जो लोडा यार रात में सूसू के लिए नहीं उठता, वो पिज्जा डिलीवरी कर रहा भाई, मेरी बहुत ज्यादा इज्जत होती थी, जब भी मैं यहाँ से भाई फटाफट से भागता हूँ यहाँ से। तो गाइज अब मुझे समझ में आई, वो बुड्ढा मुझे रात की जॉब क्यों दे रहा था, इतनी मेरी लापरवाही क्यों कर रहा था। गाइज मैं तो यार रिस्क से बहुत ज्यादा यार, जान नहीं होगी तो यार मैं क्या करूं भाई, जान होगी तो मैं काम तो और भी जगह कर लूं, बट ये तो मेरी जान लेने की तादार पे है।
तो गाइस की जॉब में इसके मुंह पे फेंक के मार के आता हूँ। पिछली बार इन्हें मुझे निकाले थे, इस बार मैं खुद निकलता हूँ। तो यार बुड्ढा मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ? पिछली बार मुझे सैलरी नहीं दी थी, इस बार मेरी जान को ही लेने को तैयार भाई, मुझे ऐसी जगह लोकेशन दे रहा है। A few moments later. तो गाइस मैं इसकी जॉब इसके मुंह पे मारी है भाई। मैंने कहा तू ही करिए पिज्जा डिलीवरी की भाई, इतनी जगह खतरनाक तू दे रहा भाई। ने जान का रिस्क भाई, वहाँ पर मुझे भूत भी दिखा, मेरी तो एसती हो गई 64 हो गई भाई फटके। तो गाइस मैं तो सोचने लग जाता हूँ भाई, मैं नल्ला बेरोजगारी सही हूँ भाई, ऐसी दिन काट लूँ, पड़ोसी की भी सुनूँ, बट भाई ये जॉब नहीं करूँगा कभी भी नहीं करने का। अब भी इतना दिल धड़क रहा है उस वाली आवाज को सुन के। तो यार गाइस अब जान में जाना है, अपने घर पे आ चुके, खामखा मेरी नाइट बेकार कर दी उन्हें फटाफट से भाई। हम तो सोते भाई सुबह उठ के भाई, हम नल्ले बेरोजगारी रहेंगे भाई, ऐसी घूमते रहेंगे। अच्छा चलो यार गाइस फटाफट से अब सोते हैं। तो यार गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है भाई, बहुत ज्यादा नींद आई, तो उन्हें पूरी रात नींद खराब कर दी मेरी, उन्हें भाई ऐस तैसी कर दी थी उन्हें पिज्जा डिलीवरी वाले ने, बट चलो कोई बात नहीं भाई, वो दिन तो गया, फटाफट से हम भाई अपना ऐश करेंगे। ठीक है चलो गाइस मैं यार घर में घूमता रहता हूँ, बट मैं जब भी सोचने लग जाता हूँ यार बाहर जाऊँ या फिर टीवी देख लूँ, तो मेरे दिमाग में आता है चलो यार थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। चलो फटाफट से टीवी चला के देखते हैं। तो गाइस आज तक की छपरी न्यूज में आपका स्वागत है भाई। छपरी न्यूज वाले बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं क्योंकि ये गरीब होना चाहते हैं। पिछली बार 10 करोड़ और गोल्डन एयरप्लेन की उन्होंने रेसिंग लगी थी, बट इस बार 10 करोड़ की रेसिंग लग रही है। जो भी जीतता है उसे 10 करोड़ मिलेंगे, 2 बाइकों में रेस करी जाएगी जो भी फर्स्ट आता है। और तो इस बार पार्टिसिपेट के लिए भी कोई कुछ नहीं रखा गया, बस सीधा आए और पार्टिसिपेट करे। पिछली बार तो लैम्बोर्गिनी रखी गई थी, बट इस बार कुछ नहीं रखा गया, ये क्योंकि गरीब होना चाहते हैं आज तक छपरी वाले। तो गाइस जब भी मैं सोचने लग जाता हूँ आज तक छपरी न्यूज वाले इतना अमीर कहाँ से हो रहे हैं, पिछली बार उन्होंने रेसिंग लगी थी, जो जीतता है 10 करोड़ पे गोल्डन एरोप्लेन मिलेगा, तो मैं जीत गया था। और वो गाइस आप लोग जानना चाहते हो वो पैसे कहाँ गए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस कोई बात नहीं, पिछली बार तो हमने लैम्बोर्गिनी जमा करी थी, बट इस बार तो उन्होंने स्कीम निकाल ली कुछ जमा नहीं करना, तो भाई काफी मजा आने वाला है। मैं ये रेसिंग जीत गया तो काफी अमीर हो जाऊंगा, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। और गाइस कुछ भी को आज तक की छपरी न्यूज वाले काफी अमेजिंग है भाई, एक से एक स्कीम लाते रहते, जब ये गरीब हो जाएंगे फिर साले कुछ भी नहीं लाने के हैं। गाइस मैं फटाफट से रेसिंग की जगह पे पहुंचता हूँ। तो गाइस मैं रेसिंग की जगह पे तो आ जाता हूँ, बट गाइस बाइक कितनी अमेजिंग लग रही है भाई, यहाँ का ओनर का है, ओ फाइनली ओनर आ चुका है। हेलो सर, आइए आपका स्वागत है रेसिंग में। तो आप लोग रेसिंग में हिस्सा लेना चाहते हो? जी हाँ, मैं रेसिंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। हाँ हमें पता लग गया था आपके शक्ल से कि आप नल्ले बेरोजगार हो, रेसिंग में हिस्सा लेने आ रहे हो। तो फाइनली गाइस दोनों हम आ चुके हैं, फर्स्ट पे मैं हूँ, सेकंड पे है दूसरा वाला बंदा, जो भी फर्स्ट आएगा उसे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो गाइस रेस को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस रेस तो स्टार्ट हो चुकी भाई, फुल बूस्ट दे रहे हैं, मैं भी और वो ही भाई फर्स्ट पे, देखता हूँ कौन आता भाई समय पे, तो मुझे लग रहा है मैं ही आगे चल रहा हूँ भाई, मैंने फुल बूस्ट दे रखे भाई, जल्दी से मैं जीत जाऊँ यार, इधर उधर न गिर जाऊँ, काफी डर लग रहा है भाई काफी। ओ यार मैं तो भाई, ओ यार शिट मैं तो गिर चुका हूँ भाई, वो तो बिल्कुल सीधा जा रहा है। यार मैं तो नल्ला ही मरूंगा भाई, मैं तो गिर गई, ये रेस भी हार गया, मैं कुछ कमा ही नहीं सकता। तो यार गाइस मैं ये तो रेस हार चुका हूँ, मैं सोचता हूँ भाई ओनर से दोबारा बात करके, भाई ओनर आ चुका है फाइनली। चलो तुम यहाँ से हार चुका, फटाफट से यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है रेस जीतने की। सर सुन तो लो प्लीज, एक बार और करा दो रेस, इस बार मैं फर्स्ट आ जाऊंगा प्लीज। अबे यहाँ से दफा हो जाएगा, तुझे एक और बार करवा, एक चांस मिलता है से निकल, तू नल्ला ही रहेगा, बेरोजगार रहेगा, तू कभी पैसे नहीं जीत पाएगा, फटाफट यहाँ से भाग जाना, तो यहाँ जेल करवा दूंगा। जैसे वो जेल का नाम लेते फटाफट से मैं तो यहाँ से फरार हो जाता हूँ, पता चल रहा है भाई जेल में रियल में डलवा दे, मेरे पे तो छुटने के पैसे भी नहीं है। मैं तो सोच रहा था यार मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो भाई 10 करोड़ मिल जाएंगे, मैं तो काफी अमोर हो जाऊंगा, बट यार मेरे नसीब में है ही नहीं भाई, मैं तो सोच रहा मैं गरीब ही मरूंगा। चलो गाइस आज की वीडियो बस इतने, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो के साथ।